आइए हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरते चले जाएं। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल इलनेसेस एंड गुड हेल्थ, फॉर मेंटल पीस एंड गुड हेल्थ। इस संगीतमय धारा में आइए थोड़ी देर के लिए हम अंतर्मुखी हो जाएं। इंट्रोवर्ट पहलू को टच करें। थोड़ी देर के लिए हम भीतर की ओर अंतस की धरा पर उतरते चले। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही थर्ड आई शिव नेत्र आपका देखने लगता है। इस संगीतमय साधना में आप गहरी डुबकी लगाना, लगातार वाच करते रहना जो भी हो रहा है। आपका थर्ड आई शिव नेत्र इनर आई सदैव सजग है। अगर आपने उसके पहलू को टच किया हो तो धन्य धन्य हो जाओगी। जागे जागे देखते रहना जो भी हो रहा है भीतर। मौन पूर्वक मुदित भाव में केवल देखते रहना। यू हैव योर थर्ड आई टू वॉच। आपको बाहर की आंखों की जरूरत नहीं है। बाहर की आंखें बाहर ही देख पाती हैं, ये भीतर नहीं देख सकती। इसलिए कोई जोर, कोई प्रेशर, कोई दबाव डालने की जरूरत नहीं आंखों पर। थोड़ी देर के लिए आप बाहर की आंखों से हट जाइए और भीतर की आंख में विराजमान हो जाइए। करना कुछ नहीं, केवल जागे रहना। जो भी हो रहा है उसको देखते रहना। सब मन का खेल, मन का जादू, मन का विस्तार देखते रहना। लगातार वाच करते रहना हर एक पहलू को, हर एक स्थिति को, हर प्रकार के हालात को देखते रहना। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़ है, द्वंद्व है, डुअलिटीज है। आप सब को वाच करते रहना। बी वॉचफुल ऑल द टाइम एज ए न्यूट्रल एनर्जी, निष्पक्ष निरपेक्ष रहते हो। करना कुछ नहीं, केवल वाच करते रहना। कछु पॉजिटिव है, कछु नेगेटिव है, आप हर स्थिति को देखते रहना। आपके देखने की मशाल जलती रहे। आप जागे रहे, जागे जागे वाचफुलनेस में रहे। हर पल, हर घड़ी, हर मोमेंट आप देखते रहना। जो भी हो रहा है उसे वाच करते रहना। कोई प्रेशर ना पड़े, कोई दबाव ना पड़े, सहज सरल साधारण रूप में केवल देखना। कहीं दखल नहीं देना, केवल देखते रहना। जो भी हो रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अच्छा है, बुरा है, शुभ है, अशुभ है, आप उन सब से हट करके देखते रहना। निष्पक्ष रहना, निरपेक्ष रहना, सदैव जागे रहना। बहुत सो लिए मन की गोदी में, सारा जन्म मन की गोदी में न चला जाए। अंधेरों में, सनाटों में, डुअलिटीज में, द्वंद्व में, द्विद्वैत में न चला जाए। ये जीवन की कदर डालना, ये जीवन की कीमत डालना अद्भुत है, अनमोल है, अद्वितीय है। ये जन्म इसको यूं ही नहीं गवा देना। बाहर की दौड़ धूप में आप घर सुखी रहना चाहते हैं, घर टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के शिकार नहीं होना चाहते, माइग्रेन का शिकार नहीं होना चाहते, तो केवल थोड़ी देर के लिए भीतर की ओर चल पड़े। बाहर से हटकर के भीतर की ओर मुड़ जाएं, अपने आप को संभालें, सुधारें, अपने आप को देखते चलें।
ये देखना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस देखने मात्र से तुम दैदीप्यमान होते चले जाते हो। जागे जागे, हर पल हर घड़ी हर मोमेंट वॉच करते रहना, जो भी हो रहा है उसे देखते रहना, अच्छा है बुरा है शुभ है अशुभ है, आप केवल देखते रहना। इस संगीत बहिधारा में आप भीतर की ओर प्रवाहित होते चले जाना। करना कुछ नहीं, केवल देखते रहना। नॉन डूइंग की स्टेट में रहना, नॉन डूअर होकर के वाच करना, हर एक स्थिति को हर एक पहलू को देखते रहना। देखना हम सबका स्वभाव है, अपनी और भीतर की ओर जो भी घटित हो रहा है उसको वाच करना। न्यूट्रल एनर्जी होकर के, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। ये देखना बहुत ही अनूठा अद्भुत अद्वितीय है। हमने अपना भीतर कभी देखा ही नहीं, अपने आप को संवारा सुधारा संभाला ही नहीं। बाहर बहुत संवारने संभालने में लगे हुए हैं हम, अपना जीवन यूं ही हाथ से चला जा रहा है। बहुत कदर डालना, बहुत कीमत डालना मानव जन्म की, ये प्यास दर दीवानगी का आलम बने। निरंतर आपने माइंड को कहीं फोकस नहीं करना, कोई फोकसिंग स्टेट नहीं लेना, जरा सा भी टच नहीं लेना किसी भी ऑब्जेक्ट का। आपने केवल वही देखना है जो हो रहा। यू हैव योर थर्ड आई टू वॉच। तुम अपनी वॉचफुलनेस में रहना और हर स्थिति को देखते रहना, जैसा भी है जो भी है जहां भी है जितना भी है, आप केवल वॉच करते रहना। बी वॉचफुल ऑल द टाइम। बार बार देखना, कहीं दखल नहीं देना। मन की गतिविधियां बहुत नेगेटिव, हर समय नेगेटिविटीज का शिकार बनी है। माइंड इज मोस्टली नेगेटिव। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। आप अपनी सूरत संभालते जाना, अपनी समृद्धि, अपनी सुरती, अपनी याद, अपना होना निरंतर तुम्हारे ध्यान में रहे। अपने आप को देखना, अपने आप को जगाना, अपने आप को निरंतर वॉचफुलनेस में रखना। हियर इज मेडिटेशन। यू बिकम मास्टर ऑफ द माइंड। पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पर नहीं उलझना, नहीं झूलना, वर्तमान के पल पर रोना। यू शुड बी इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट मोमेंट्स विल बी फुल ऑफ ब्लेस।
माइंड को कहीं भी फोकस नहीं करना, नहीं तो तुम माइंड में ही बंधे रहोगे, कंसंट्रेशन हो जाएगी, मेडिटेशन नहीं होगी। यू डू नॉट रिक्वायर कंसंट्रेशन, यू रिक्वायर मेडिटेशन। कंसंट्रेशन तो अपने आप चली आती है, अपने आप फॉलो करती है जब तुम मेडिटेशन की धारा में होते हो। वी हैव नॉट टू कंसंट्रेट, वी हैव टू मेडिटेट। प्यास लग्न उत्कंठा की दिशा में बढ़ते चले जाना, विचार दशा से भावपूर्ण स्थिति की ओर कर सुरती का आलम बहता है तो समझ लेना धुल रहे हो, स्नान हो रहा है तुम्हारा। विचार दशा से भाव दशा, भावपूर्ण स्थिति की ओर बढ़ते चले जा रहे हो, जहां थॉटलेसनेस की स्टेट आती है। यू बिकम थॉटलेस, राइट थिंकिंग प्रिवेल्स व्हेन यू बिकम थॉटलेस। बिकम मोर एंड मोर अवेकेंड। बहुत सहज सरल साधारण रूप में जागे जागे, जो भी घटित हो रहा है भीतर उसको देखते रहना, उससे हट करके उसको देखना, थोड़ा डिस्टेंस डेवलप कर लेना। अगर ऐसा हो जाए तो डिविनिटी का रूप बन जाओगी, यू विल बिकम डिवाइन। धन्य धन्य वो जिन्हें प्यास लग्न उत्कंठा का आलम जगाए, दर्द दीवानगी का जगमगाता नूर उतराए। देखना शुरू हुआ, इस देखने का साहस और हिम्मत जुटाना। बी स्ट्रॉन्ग, बी हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी इन स्पिरिट। कुछ नहीं, केवल जागे जागे रहना, मन के हाथ नहीं लगना, विचारों में कहीं लुटना जाना, खोना जाना, लॉस्ट ना हो जाना, कहीं इंडल्ज ना हो जाना, अपनी अवेयरनेस को, अपनी स्टेट ऑफ अवेकनिंग को बनाए रखना। वो तुम्हारा स्वभाव है, उस स्वाभाविक स्थिति में रहना जहां तुम्हें कोई टच ना कर पाए और तुम भी देखते 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 एक दिन दिव्यमान हो जाओ। अपनी सुरती संभालो, अपना सूरत संभालो। ये संभाला नहीं, दुनिया भर को संभाला, क्या खाक संभाला। अपना आप संवारो, संभालो, सुधारो। तेरे चारों तरफ जो भी हो रहा है सब अपने आप सुधरता चला जाएगा। ना भी सुधरा तो भी तेरे लिए कमाल हो जाएगा। यू शुड बी द मास्टर, मास्टर ऑफ योर माइंड। योर माइंड शुड बी एट योर बिहेस्ट।
अब तो माइंड मालिक बना हुआ है, हर प्रकार की डुअलिटीज का शिकार बना हुआ है। यही हमारी गलत फहमी हुआ बचपन से, हमने माइंड को महत्व दिया मास्टर को नहीं। ये हमारी गलती है, हमें पता नहीं, कोई बताने वाला जताने वाला भी नहीं। हमने मास्टर को छोड़ करके माइंड को अपना मालिक बना लिया। ये भूल थोड़ी सुधार लेना। माइंड कैन नेवर बी द मास्टर। माइंड को मास्टर बनाना, मास्टर समझना, मानो माइंड के हाथों बिक जाना, डुअलिटीज के शिकार हो जाना, द्वंद्व द्वि द्वैत में पड़े पड़े सारा जन्म गवा देना, सब प्रकार की जेलसीज के शिकार होकर के मर जाना, मानव जन्म की कीमत ना पहचान पाना जो कभी कभी हाथ लगता है, बार बार नहीं मिलता। कदर करना अपने जन्म की, जीवन जोत जगाना, थॉटलेसनेस की स्टेट में जगमगा उठोगे। यू बिकम थॉटलेस, राइट थिंकिंग प्रिवेल्स व्हेन यू बिकम थॉटलेस। नो कंटेम्पलेशन, सिंपली मेडिटेशन। मेडिटेट मोर एंड मोर एंड बिकम शार्प। Unhappy. आपने केवल देखना है, हर एक घटना को देखते रहना, जो भी घटित हो रहा है सब माइंड का खेल है। माइंड ही एकमात्र सब प्रकार के कलापों में उतरा हुआ है। आप स्वयं देख लेना, माइंड की एक्टिविटीज को देख लेना। माइंड इज नेवर एट पीस, बहुत डिस्टर्बिंग स्टेट है उसकी। एंड यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए मास्टर ऑफ इट। अपनी मास्टरशिप गुमा करके जीना पशुवत जीने से भी बदतर है। अपनी मास्टरशिप अधिक से अधिक डेवलप करना, डिस्कवर करना, ये तेरी सबसे ऊंचा शिखर होगा डिस्कवरी का। डिस्कवरी ऑफ रियल सेल्फ धन्य धन्य कर देगा। थोड़ी प्यास दर्द दीवानगी उठाइए, दर्द दीवानगी का आलम जगाइए अपने प्रति। बहुत हो रिया दूसरों के प्रति, गैरों के प्रति, अपनों के प्रति, परंतु अपने आप के प्रति कभी नहीं हुआ। ये गर हो जाए धन्य धन्य हो जाओगे, चारों तरफ सारा संसार तुम्हारा हो जाएगा, सारा विश्व तुम्हारा हो जाएगा, सब कुछ सही होगा। जिस दिन तू भीतर से सही हो जाएगा, तुम खुद ही सही हो जाओ। बस यही है जीवन, जगमगाते रहो, आनंदित मोदित बेपरवाह होकर के रहो। छोटी छोटी बातों में उलझे उलझे सारा जन्म न गवा देना। जागे जागे रहना, हर पल जागे रहना, वही देखना जो हो रहा है। जो हो रहा है सब माइंड है, सब माइंड का खेल है। तुम स्वयं भाप लेना अच्छी तरह।
जो भी हो रहा है, जैसा हो रहा है, जितना हो रहा है, सब माइंड है। इसके पल्लों में नहीं पड़ना, इसके पीछे लगो नहीं होना, इसके हाथ नहीं बिकना। माइंड शुड बी एट योर बिहेस्ट, यू शुड बी द मास्टर ऑफ इट। माइंड कभी भी तुम्हें कलुषित ना करे, कभी भी धोखा ना दे, कभी प्रेम कपट जाल ना खेले, कभी भी दोगलापन ना आए। ये तभी होगा जब तुम इसको वाच करोगी। तुमने सारी दुनिया को देखा कि तू अपने माइंड को देखा ही नहीं, अपने माइंड को कभी सोचा समझा भी नहीं, देखा भी नहीं। अरे जो अपने भीतर 24 घंटे है उसको भी जरा पहचान लेना, पहचान लेना जरूरी है। कभी धोखा नहीं खाओगे जीवन में, कभी भी धोखा नहीं होगा अगर तुम थोड़ा माइंड को वाच करो। अपने आप तुम स्वयं ही जानोगे कि सब माइंड का खेल खेला जा रहा है। पलके मूंदा और देखना शुरू हुआ, करना कुछ नहीं, केवल देखते रहना। अपना देखना कायम रखना, अपना देखना तुम्हारा स्वभाव है। अपने स्वभाव में पूरी तरह उतरना, मन की आदतों में खोए नहीं रहना। मन की आदतों में पड़े पड़े तुम ईर्ष्या द्वेष अहंकार अभिमान अस्मिता के अंधेरों में खो जाओगे। माइंड इज मोस्टली नेगेटिव। जो जो पॉजिटिव है माइंड के पार से आता है, माइंड से हट करके आता है, अपनी एकमात्र दिशा में, अपने स्वभाव में उतरता है। जो जो पॉजिटिव है, माइंड इज नेवर 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 पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये बाहरी बार रखता है हमें, बाहर से मिला है बाहर ही रहेगा और हमें भी बाहर की ओर जोड़ेगा। ये हमने कभी ना जाना, जन्म के पश्चात हमने कभी ना जाना कि माइंड क्या है। हमने कभी पहचाना ही नहीं अपने आप को, दुनिया भर को पहचानने में लगे हैं। दिन रात अखबारों में पढ़ते हैं, दिन रात न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किंतु अपनी न्यूज कभी सोची नहीं, कभी भी जानी नहीं, भानी नहीं, अपना आप सजाया नहीं, संवारा नहीं, सुधारा नहीं, संभाला नहीं। दूसरों की बातें उलझा के रख देती है तुम्हें। काश कि बचपन से ही मालूम हो जाता भीतर कि और मुड़ जाने की कला हाथ लग जाती तो सारा जन्म जगमगाते हुए गुजरता। हर हालात में मालिक होकर के जीते तुम, हर हालात तुम्हें कभी भी अनवराप ना कर पाता। तुम सब मालिक होकर के जीते। धन्य धन्य है जीवन दिशा, जिसके हाथ लगी वो मालिक होकर जिया। Thank you.
इफ यू वांट एनर्जी कंसंट्रेशन हैप्पीनेस हेल्दी एंड वेल्दी स्पिरिट A strong willpower, inner strength. Lot of loving state. If you need energy, lot of energy, you will gain through meditation. Meditate more and more. Become calm and quiet for a moment and you will become energetic, joyous, gleeful all the time. फिर से शाम चलो ध्यान में चली अंतस ध्यान में चली गिरे आई देखो शाम चलो ध्यान जागे जागे देखना अपने भीतर को क्या गजब की शाम है संध्या है जिस वक्त भीतर बहुत शांत आनंदित मुदित स्वभाव होता है इस स्वाभाविक स्थिति में अगर हम थोड़ा सा भी भीतर की ओर मुड़ जाएं तो यू विल गेन ए लॉट ऑफ एनर्जी लॉट ऑफ एनर्जी ऊर्जा के भंडार होते चले जाओगे मेडिटेशन विल हेल्प यू टू बी हैप्पी हेल्दी एंड वेल्दी इन स्पिरिट ऑल द टाइम जो तुम्हें बाहर मेटीरियल वर्ल्ड में नहीं मिलता वो तुम्हें मेडिटेशन से मिलता है मेटीरियल वर्ल्ड आपको टेंशन स्ट्रेस डिप्रेशन एंग्जाइटी माइग्रेन का शिकार बना देता है मेडिटेशन आपको सदा सदा के लिए स्वस्थ रखता है आनंदित मुदित रखता है बेप्रवाह रखता है अगर मेटीरियल वर्ल्ड में रहते रहते थोड़ा सा मेडिटेशन का आलम जग जाए बीते तो धन्य धन्य हो जाओगे यही है एकमात्र निशान
यही है एकमात्र मेडिसिन जो तेरे जीवन को सदा बाहर में रख सकती है। सबसे बड़ा अन्याय, सबसे बड़ा पाप हम अपने जीवन के साथ करते हैं। हमने कभी ना सोचा कि जीवन में बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, थोड़ा भीतर होना चाहिए, थोड़ा बाहर होना चाहिए, थोड़ा अंतर्मुखी होना चाहिए, थोड़ा बहिर्मुखी होना चाहिए, ये कभी विचार ना किया। हम सारा जन्म बहिर्मुखता में गुजार देते हैं, माइंड के गुलाम होकर के हम चले जाते हैं। माइंड की गुलामी में पड़े पड़े हम एक दिन मौत के हवाले होते चले जाते हैं। ये अन्यायजनक स्थिति जीवन की हम सबको गलतान करती जाती है। हम सबको तमाम प्रकार से दुखद करती चली जाती है। बहुत दुखी होते हैं हम, पल भर में हम दुखी सुखी होते रहते हैं। पल भर में हमें क्या होता है, हम अपनी प्यास लगन उत्कंठा के दीप ना जला पाए, हम अपना अंधेरा विदा ना कर पाए, हम अपने भीतर की तमाम डुअलिटीज के शिकार बनकर के चलते रहे, उसको विदा ना कर पाए। बहुत बहुत बाहर हिम्मत दिखाई, बहुत ताकत दिखाई कि तू भीतर की ओर, हम बिल्कुल कमजोर कायर भीरू निकले। जो जन्म हमने जीवन जो जगाने में लगाना था, वह जन्म हमने बाहर की दुनिया में छोटे छोटे खिलौनों में, उलझनों में खत्म कर डाला। हम कहते हैं हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद चल जाते हैं, महाराज अब हर संडे जाते हैं, बाकी छह दिन हम माइंड के गुलाम रहते हैं। सातवें दिन में हम जाते हैं तो वहां भी माइंड की गुलामी काम करती है। हम कभी भी बियॉन्ड माइंड नहीं हुए, माइंड से हटकर के जीना हमको आता ही नहीं, हम माइंड ही बन करके जी रहे हैं, पशुवत जी रहे हैं। हमारे भीतर मालकियत का आलम कभी जगा नहीं, हमने कभी जाना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, जाना नहीं। हम गीता पढ़ते, रामायण पढ़ते, वेद पढ़ते, शास्त्र पढ़ते, उपनिषद को कुरान पढ़ते, और हम बाइबल पढ़ते पढ़ते मर जाते, किंतु हमने कभी भीतर की ओर आंख मोड़ के देखा नहीं, अपनी भीतर की आंख को कभी मौका नहीं दिया, अवसर नहीं दिया जगमगाने का, अपनी थर्ड आई शिव नेत्र को कभी भी महत्व नहीं दिया, जिसके लिए मानव जन्म मिला था उसके प्रति हम पूरी तरह से भ्रमित रहे, पूरी तरह से हम इग्नोर करते चले गए। इग्नोरिंग स्टेट में हम लोगों ने अपना जन्म गवा दिया, हमने अपना अनमोल धन गवा दिया। मॉर्निंग इवनिंग दो समय, अगर थोड़ा सा समय, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा वक्त मिले तो अपने भीतर की ओर बैठ जाना। अंतस है एकमात्र विराट स्वरूप तेरा, भीतर है तेरा अस्तित्व, तेरी एग्जिस्टेंस का महान खजाना भीतर है। जिसने खोजा उन्होंने पाया, जिन्होंने देखा उन्होंने जाना। जीवन धन्य धन्य हो जाता है जब आप थोड़ा सा अंतस की ओर मुड़ते हो, अपनी प्यास लगन उत्कंठा के दीप जलाते चले जाते हो, दर्द दीवानगी का आलम पिलोते चले जाते हो, और बाहर भी तुम्हारा सब जगमगा उठता है, बाहर भीतर दोनों ओर तुम अपना प्रकाश पुंज देख सकते हो, चारों ओर फैला हुआ प्रकाश पुंज आपके भीतर की आंख से उठा हुआ नूरो नूर होकर के जगमगाता हुआ तुम्हें दिव्यमान करता चला जाता है। अगर जीवन अपना ही प्रसन्न नहीं, आनंदित नहीं, मुदित नहीं, तुम दूसरों को क्या दोगे? सदा टेंशन में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में जीवन गुजारते हो। आजकल तो रिवाज ही बन गया है, आजकल जिसको डिप्रेशन नहीं, टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, वो आदमी ही नहीं है, ये कहते हैं लोग। वो आदमी का है का जिसे टेंशन ही नहीं है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी नहीं है, ये मेटीरियल वर्ल्ड के पले हुए लोगों का बात, लोगों की एकमात्र धारा है जिन्होंने कभी भी मेटीरियल वर्ल्ड से हटकर के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं उतरे, कभी भी स्पिरिचुअल टच नहीं रखा, कभी भी स्पिरिचुअल
हालात में गुजरे नहीं, वो कुछ भी नहीं जानते, वो कुछ भी खाक जीवन को जिएंगे कुछ भी नहीं जान सकते, चाहे तुम कितने भी बड़े बड़े अभिमानी अहंकारी अस्मिता का रूप ले लो, भीतर इगोइस्टिक और बाहर तुम बड़े सच्चे पुच्चे, ये डबल डीलिंग जब तक होती रहेगी तब तक इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। धन्य धन्य वो इंसान जो भीतर और बाहर दोनों ओर जगमगाता हुआ जीता है, नूरो नूर होके जीता है, आहा, और यही कहता है हर घड़ी हर पल। गुरुवर यही वर दो तेरे ध्यान में खो बैठो, मुझे प्रभुवर यही वर दो तेरे ध्यान में खो बैठो, जब जब तेरी याद आए उस याद में रो बैठो, जब जब तेरी याद आए उस याद में रो बैठो, मुझे प्रभु यही वर दो तुम्हारे ध्यान में खो बैठो, मुझे प्रभु यही तेरे ध्यान में खो बैठो, तुम्हारे ध्यान में खो बैठो, तुम्हारे ध्यान में खो बैठो। सच मुझ खिल जाएगा, मेरा रोम रोम उस दिन सच मुझ खिल जाएगा, मेरा रोम रोम उस दिन सच मुझ खिल जाएगा, जब तुम मिल जाओगे सब कुछ मिल जाएगा, जब तुम मिल जाओगे सब कुछ मिल जाएगा, मैं तेरे मिलन के ही शुभ स्वप्न संजो तेरे मिलने के लिए शुभ स्वप्न संजो बैठूं, मैं तेरे मिलने के लिए शुभ स्वप्न संजो बैठूं, मुझे गुरुवर यही वर दो तेरे ध्यान में, सौदा मिलता ही एकमात्र जागे पुरुषों के द्वार पर, एकमात्र गुरु शिष्य के पावन पवित्र
सुंदर सलोनी संबंध में मिलता है। कितना सुंदर कहा भगवान श्री कृष्ण ने, मीरा मेरे से नहीं मिलेगा, मेरे भीतर तुम समा नहीं सकती, मेरे भीतर नहीं समा सकोगी चाहे तुम सारा जन्म लगा दो। जब तक तू किसी गुरु की ना होकर के आओ, गुरु जागा पुरुष वो अंधेरा रूप प्रकाश, जो अंधेरों से प्रकाश की ओर चला गया, अंधेरों से प्रकाश की ओर उतर गया, जो स्वयं प्रकाशमान हो गया, लाइटन हो गया, प्रकाशमान हो गया, वही है एकमात्र गुरु। ऐसे किसी गुरु के पास जाना तेरे लिए संभावना का दीप जलेगा। मुझसे नहीं होगा जब तक तो किसी गुरु के चरण शरण में नहीं जाती मीरा। मीरा आज तक जो तूने जन्म जिया वो अपनी प्यास लगन उत्कंठा में जिया, दर्द दीवानगी में जिया और मेरे सहारे जिया। आज मैं तुझे कह रहा हूं, स्वयं गिरधर गोपाल ने कहा मीरा जा काशी जा, रास्ते में मिल जाएगा। इतना मैं जरूर बताता हूं, काशी की ओर चली जा, रास्ते में मिल जाएगा, काशी के एकमात्र किनारे पर मिल जाएगा। पहले वही मिलेगा जो तेरे जीवन को उभार के रखेगा। कौन है वो मेरे प्रभु? वो है केवल गुरु रविदास, जिसके द्वार पर पहुंचते ही तुम मालो माल हो जाओगे, तुम सदा सदा के लिए शांत मुदित आनंदित हो जाओगे, तुम भीतर ठहर जाओगी, तेरे भीतर ठहरते ही मैं प्रवेश कर जाऊंगा। मैं सदा सदा रोम रोम जरे जरे में समा जाऊंगा, किंतु गुरु कृपा के बिना नहीं होगा। सर्वप्रथम गुरु कृपा, मीरा जा गुरु रविदास के द्वार पे पहुंच जा। सौभाग्यशालिनी मीरा महारानी ने अपने आप को बहुत गजब का नूर पिरोया। कहने लगे प्रभु अगर आप कहते हैं मेरे लिए सब कुछ आप हैं, हे प्रभु आप हैं मेरे सब कुछ, गुरु क्या, भगवान क्या, परमात्मा क्या, खुदा क्या, नहीं मीरा ये परंपरा ये मर्यादा निभानी पड़ेगी, उसके बिना नहीं होगा। चाहे मैं रोम रोम जरे जरे में समाया हूं तेरे, किंतु मेरा समाहित होना दो कौड़ी का है जब तक किसी जागे पुरुष की दीवानी नहीं हो जाती। मीरा शीघ्र अति शीघ्र काशी की ओर जा, मिल जाएगा तुझको तेरी प्यास लगन उत्कंठा की दीवानगी में उतर आएगा तो धन्य धन्य हो जाएगी। मीरा चल पड़ी, मीरा चलती 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 पहुंच गई, गुरु रविदास के चरणों पर पहुंची। गुरु रविदास अपनी वीणा बजा रहे हैं, मस्त दीवानगी के आलम में डूबे हुए, प्रभु भक्ति में लीन, एकमात्र अपनी प्यास लगन उत्कंठा की दीपिका जला रहा है। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, भीतर से आवाज उठी। पहुंचते ही मीरा ठनक गई, ठहर गई, रुक गई, उसका कदम आगे ना बढ़ सका। पाया 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 पाया, पा लिया पा लिया पा लिया, मिल गया मिल गया, यही है द्वार रविदास का। हाँ यह रविदास जगमगाते, गुरु मिले आ रविदास की, गुरु मिले आ रविदास की, गुरु मिले आ रविदास की, गाती 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 मुगध हो गई, चरणों में गिर गई। गुरु रविदास ने पूछा कौन? मीरा बोल ना पाई, थोड़ी देर के बाद बताती है मीरा, मैं हूं मीरा महारानी मेवाड़ की। धन्य धन्य हुए गुरु रविदास भी, सच सच पहले ही समझ चुके थे, पहले जान चुके थे उसके बारे में। मीरा की पुकार प्यास लगन उत्कंठा से भरपूर जब देखी, गदगद हो गए गुरु रविदास।
गुरु मिले आ रही दास की, गुरु मिले आ रही दास की, गुरु मिले आ रही दास की। धन्य धन्य हुई मीरा, मीरा ने मर्यादा निभाए। गिरधर गोपाल ने जो कहा वो मर्यादा निभाई और अंत में सदा सदा के लिए रोम रोम जरे जरे में समा गई। मीरा महारानी ने सबको दिशा दे दिया, हम सबको दिशा प्रदान किया। ये है एकमात्र मेडिटेशन का आलम। जब इंसान प्यास लग्न उत्कंठा में भाव दशा में भावपूर्ण स्थिति में उतरता है तो सारा जीवन उसका जगमगा उठता है। ध्यान में डूबे 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 जब आप डल डीप यू बिकम वेरी हेल्दी एंड हैप्पी। और अपनी प्यास लग्न उत्कंठा की दीवानगी में डूब जाते हो। आप कहते हो कुछ हो नहीं सकता, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, वही तो हुआ जो होने के लिए हम आए, वही तो हुआ जिसमें अमरत्व का संदेश मिला, इमोर्टैलिटी का संदेश मिला। आज तक भी वो जगमगाते नूर ग्रस्ती होकर के भी, ग्रस्त में रह करके भी उन्होंने जो नूर पिरोए। नानक कबीर रैदास गोरा बादल पीपा सागर धन्ना एक नाथ तुकाराम नहीं, नामदेव नहीं, वो तो कोई ना कर सका, कोई ना कमा सका जो कमाई उन्होंने किया। ये मत सोचना कि हम तो ग्रस्ती लोग हैं, हम तो त्यागी नहीं ग्रस्ती हैं। अरे त्याग का संबंध भीतर से है, बाहर से नहीं। त्याग में जीवन की धारा अंतस की धारा पर प्रवाहित रहे तो धन्य धन्य हो जाओगे। तुम कैसे भी हो, कैसे भी हो, किस तरह से भी हो, किसी हालात में भी हो, अगर ये हालात आपके भीतर के ख्यालात में उतर जाए तो जीवन जगमगा उठेगा। बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत साधारण है। दुनिया भर के सारे कार्य बहुत बहुत मुश्किल, एक ये कार्य कितना आसान, कितना सहज, कितना सरल, कितना साधारण है। अगर थोड़ा सा समय तुम भीतर अपनी ओर जोड़ो तो सदा सुखी हो जाओगे। और कोई दुनिया की ताकत तुम्हें सुखी नहीं बना सकती। एक मेडिटेशन का आलम तुम्हें सदा सदा सुखद आनंदित मुदित रख सकता। वो जीव धन्य धन्य है जो मेटीरियल वर्ल्ड में रहता है और मेडिटेशन का आलम जगाता है, मेडिटेशन का दीप जलाता है। करना कुछ नहीं, केवल जागे जागे मन माया को देखते रहना, मन का खेल, मन का जादू, मन का विस्तार देखते रहना। आई एम नॉट ए माइंड, आई एम ए सीयर ऑफ इट। ये एकमात्र किमिया जगाता चला जाता है अपने भीतर। वो जीव धन्य धन्य है, धन्य धन्य है वो जीवन जो प्रभु के नाम पर चला, जो अंतस में उतर करके अपना दीप जगमगा गया, जो भीतर बाहर दोनों ओर जगमगाता हुआ चला। वो जीव धन्य धन्य है। भगवान राम को देखना, गुरु के द्वार पर 20 साल लगा करके उसने क्या पाया, यही तो पाया। भगवान कृष्ण ने क्या पाया, 14 वर्ष लगातार गोपाल, गुरु संदीपनी के द्वार मिट मिट करके जो उसने पाया, उसी के लिए तो कहा, अर्जुन को भी यही कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदेक्षन पीते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिना। यही तो कहा, यही कहा अर्जुन के प्रति भी, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया। गुरु के द्वार से जो मैंने पाया उसकी आज तुझे व्याख्या करता हूं, आज तुझे संदेश सुनाता हूं। मैंने जो गुरु के द्वार से पाया, आहा, वारे वाह, भगवान कृष्ण कहते हैं। गुरु तो धन्य धन्य जीवन, जिसके हाथ लग जाए उसे दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, सारी दुनिया उसके पीछे पीछे, किंतु उसे दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। मालिक जब हाथ लगता है तो जीवन की कीमत बढ़ जाती है। बस यही एकमात्र गेन करना हम सबका कर्तव्य है, सबका परम कर्तव्य है कि संसार में रहते हुए तो थोड़ा थोड़ा भीतर का सन्यासी होना, भीतर का, भीतर से आजाद होता चला जाए। माइंड से आजाद होना, बाहर से तुम आजाद होने के लिए भागते हो,
बाहर से नहीं, अपने माइंड से आजाद होना, माइंड से स्वतंत्र होना, तो बाहर की स्वतंत्रता तो अपने यहां मिल जाती है। अगर माइंड से स्वतंत्र नहीं हुए, बाहर हम आजादी के दीप जलाते रहें, स्वतंत्रता के दीप जलाते रहें, तो दिखावा हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा। ये पाखंडी जीवन नरक नरक में उतारता चला जाएगा। बहुत बहुत अपमानित हो जाओगे, निंदित हो जाओगे, प्रभु के नाम को भी निंदित कर दोगे। भीतर बाहर की दुनिया में अगर जगमगाना चाहते हो तो एकमात्र अंतस की धारा पे उतरना। भीतर जीवन मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद चर्च बने, भीतर बने, भीतर बने। इसी दिशा को हम निरंतर लेते रहेंगे। आज तो इतना ही स्वीकार करना, इसी दिशा पर चर्चा होती रहेगी। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे 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 नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे गुरुवे नमः, श्री गुरु गुरुवे नमः।